हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टाइल विद शालू। तो गाइज, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन लेडीज़ों के लिए जो कि 30+ है, 30+ या 35+। तो मैं भी इसी के आसपास हूँ। तो ये रेमेडी मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लिया जाए। आप देख सकते हो बहुत सारी लेडीज़ें अपने घर के काम को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, तो उस दौरान अपने हाथ और पैरों का ध्यान नहीं रख पाती है। फेस का तो हम खास करके रख भी लेते हैं थोड़ा बहुत, बट हाथ पैरों का नहीं रख पाते हैं। कई लेडीज़ तो मैनीक्योर पेडीक्योर भी कराना भूल जाती हैं, जिसकी मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। बट मैं जो रेमेडी यूज़ करती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप चाहे तो देख सकते हैं मेरे हाथ भी, आप वीडियोज़ में देखते होंगे तो आप मेरे पैर भी आगे देखेगा कि किस कैसे लगते हैं। तो इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपके हाथ पैर भी इसी तरीके से लगने वाले हैं। तो गाइस ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा सस्ती रेमेडी है जो आप इजीली घर में भी कर सकते हो। जो भी प्रोडक्ट मैंने इसमें दिखाए हैं वो सब आपके घर में अवेलेबल होंगे, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी रेमेडी है, इजी मेथड है, इजी में बन जाता है। तो कैसे हमें यूज़ करना है तो आगे हम देखेंगे, पर वीडियो में जाने से पहले प्लीज़ मेक श्योर, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो आप देख सकते हो मैं भी आपको दिखा रही हूँ कि मेरे हाथ कैसे हैं। तो मैं भी ये रेगुलर ही यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं यूज़ करती हूँ तो आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने मैनीक्योर पेडीक्योर भी नहीं कराती हूँ, मैं घर में ही यही रेमेडी यूज़ करती हूँ जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और गाइज, मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत ज़्यादा पंखे की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि गर्मी भी लगती है वीडियो बनाते हैं तो इसीलिए। बट मैं पंखा ऑफ करने भूल गई थी क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ मैं वीडियो में कि भूल ही जाती हूँ, इसीलिए तो मैंने वॉइस ओवर की है। और आप देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट भी छोड़ देना प्लीज़। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें इसमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। देन एक हम लेंगे ग्रीन टी, जो आजकल सभी के घर में मिल जाती है, और कॉफ़ी भी सभी के घर में मिल जाती है, और रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध भी सभी के घर में ही अवेलेबल होता है। तो बहुत ही ज़्यादा है, और वीडियो आपको पसंद आए तो देख सकते हो आप स्क्रीन पर मैंने मैंशन किया है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो आप देख सकते हो ये तीनों चीज़ हमारे पास है। देन एक हमें लेना है बॉल, ले सकते हैं आप, कटोरी ले सकते हैं, कांच की कटोरी ले सकते हैं। तो इसे इजीली है बनाना, और आप देख सकते हो, और ये सब कुछ सामान आपके घर में ही मिल जाता है। फर्स्ट हम लेंगे ग्रीन टी का पैकेट, देन फिर लेंगे हम कॉफ़ी, और कॉफ़ी आप देख सकते हो आपको मिल जाएगी 2 रुपये में कॉफ़ी मिल जाएगी, देन 7 रुपये का आपको मिलता है ग्रीन टी का पैकेट। तो लगा लीजिए आप, 10 रुपये में आपका काम हो गया ना। तो आप इसे इसका जो अंदर का चूरा होता है, आई मीन ग्रीन टी होती है, चूरा कह रही हूँ, जो ग्रीन टी होती है उसे आप फाड़ के और निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो सारी की सारी आपको निकाल लेनी है। देन इसमें सेकंड आपको मिक्स करनी है कॉफ़ी। तो आप देख सकते हो इसे भी आप इजीली खोलेंगे, इतना मैटर इतना ज़्यादा तो सभी जानते हैं। तो आप इसे खोलेंगे और इसमें मिक्स कर लेंगे। तो गाइज, आप इसे अगर फेस पे अप्लाई करना चाहते हो तो यही रेमेडी को आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी ड्राई स्किन वाले हैं वो प्लीज़ इसे ना यूज़ कीजिए, क्योंकि ड्राई स्किन के लिए कॉफ़ी ठीक नहीं रहती है, उससे पिंपल्स आ सकते हैं अपने फेस पर। इसीलिए मैं भी इसे अपने फेस पर नहीं यूज़ कर सकती हूँ, बट रेमेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आपको अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, दूध मिक्स करके, इसमें दूध डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हो इसका एक ऐसा पेस्ट सब बन जाएगा। तो अब हम इसे तो आप देख सकते हो अप्लाई हमें करना है। अगर आपने कोई भी ऑर्नामेंट्स पहने हो तो पहले आप उन्हें उतार लीजिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप पूरे अपने पैर पर इसे अप्लाई कर लीजिए, जैसे कि आप अपना फेस पैक अपने फेस पर लगाते हो, इसी तरह से आपको अपने फेस मतलब नीचे का एरिया छोड़कर बाकी सब स्किन पर आपको इसे अप्लाई करना है, जहाँ पर आपकी डार्कनेस है। गाइज, ये डार्कनेस को भी रिमूव करता है बहुत ही ज़्यादा। आप चाहे तो इसे अपने नेक पर भी, और कोनी जो होती है जहाँ पर डार्कनेस होती है वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं अपने हाथ पर भी अप्लाई कर लूंगी, और आप देख सकते हो मैंने सारी रिंग्स उतार दी है,
तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना वहाँ पर रह सकता है तो पैचेस वगैरह आ सकते हैं। आई मीन पैचेस मतलब ऐसा है कि बाकी सब आपका क्लीन हो जाएगा, देन आपकी जो रिंग फिंगर की जगह है वो थोड़ी सी रह जाएगी, तो सही नहीं लगता है, इसीलिए आप सारी रिंग वगैरह निकाल दीजिए। और इसके बाद आपको थोड़ा सा पानी या फिर मिल्क लेकर ही इसे अच्छे से रब करना है। तो आप देख सकते हो मैं इसे रब कर रही हूँ, आप रब करिए जेंटली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इससे, ना ही थोड़ा सा हार्श वगैरह ऐसा कुछ होगा। बट गाइज इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, एक बारी ज़रूर यूज़ कीजिएगा मेरे कहने से। अगर आपको ज़रा सा भी हेल्प लगता है तो एक बारी मुझे कमेंट सेक्शन में एक बारी ज़रूर बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती है और बहुत ही ज़्यादा ईजी मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे करने में। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने रब कर लिया है, जहाँ पर मेरी ज़्यादा डार्कनेस आपको लग रही है, आई मीन मेरे तो नहीं है क्योंकि मैं रेगुलरली यूज़ करती रहती हूँ, तो इसीलिए। तो आप देख सकते हो आपके जहाँ पर है तो आप इसे वहाँ पर लगा के अच्छे से रब कर सकते हो। इसके बाद में इसे मैं साफ़ कर लूँगी, आपको मैं दिखाने के लिए एक वाइप्स से साफ़ कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट धो भी सकते हैं। आप देख सकते हो पहले मैं आपको वाइप से क्लीन करके दिखाऊँगी, सी तो आप देख सकते हो, आपको मैं आके डिफरेंस भी दिखाऊँगी, तो आप देख सकते हो। और मैं इसे अभी वॉश करके आती हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने अपने पैर जो हैं वो अच्छे से वॉश कर लिए हैं। आपको शायद डिफरेंस दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने एक पैर पे लगाया है और एक पे नहीं लगाया है, तो आपको दिखाने के लिए, बट मैं बाद में इस पे भी अप्लाई कर लूँगी। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत ही सस्ती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी वीडियोज़ देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए ताकि और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए लोगों के लिए। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।